शाइन अपडेट्स। अगले कैसी तरफ चलते हैं, एविएशन की दुनिया में एक नाम है, पब्लिक स्पीकर हैं, रिसर्चर, राइटर हैं एंड ऑल्सो ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एविएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक सेंसिटिव टॉपिक है, पाकिस्तान की जो परवाजें जाती हैं पूरी दुनिया में उनके अंदर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो क्रैशेज हुई हैं या पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल करते करते जो एयर जो हमारे क्राफ्ट थे वो क्रैश हुए हैं उनके पीछे रीजनिंग क्या है, इनसे फ्यूचर में किस तरह बचा जाए, इनकी इन एंड आउट क्या है, क्या वजूहात थी इनके पीछे, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर, पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर स्क्वाड्रन लीडर और एक एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एविएशन। वेलकम टू आवर शो फहद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला ऑन वीकली रिपोर्ट। प्लेजर बीइंग हियर, सो वेरी काइंड। फहद, पहले सवाल की तरफ चलते हैं, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान में है वो बेसिकली क्या है, उसका क्या काम है? हमारे पास जो गवर्निंग अथॉरिटी है पाकिस्तान में, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान, इसके अंदर एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, SIB कहते हैं इसको, जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट SIB होता है, प्रेसिडेंट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, एक ऑप्स मेंबर होता है सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, एंड देन देयर इज एक टेक मेंबर होता है या इंजीनियर होते हैं साथ, ये दो तीन लोग मिलके आते हैं एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, इकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, एक UN की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी चीज को इंश्योर कराती है कि किस तरह एक एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता अगर होता है, एयर क्रैश होता है, तो उसको कैसे हम एक सिस्टम के थ्रू चला के जैसे एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है उसका जरा कोशिश करते हैं कर सके, जिसके तहत जो गलतियां हैं चाहे वो पायलट की है या इंजीनियर की है या ग्राउंड क्रू की है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजों को आगे चलाया जाता है। सो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर। स्क्वाड्रन लीडर फहद, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो एयर क्रैशेस होती हैं, एयर क्रैशेस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है पाकिस्तान में, उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, पहली चीज तो ये कि और ये काफी अरसे से चल रहा है, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 60-70 से और कंटिन्यू कर रही है टिल डेट। पहले इसका नाम थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अभी के लिहाज से SIB या सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है। चैलेंजेस सबसे बड़ी तो ये है कि जी ये एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडरी से क्या मुराद है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के मातहत ऑपरेट करती है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है और हमारे नाजरीन को भी इस बात की समझ बूझ बिल्कुल है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस में होगी गवर्निंग अथॉरिटी को, केटर या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनको अंडर प्रेशर या अंडर ड्यूरेस रखा जाएगा या अंडर विजिबिलिटी रखा जाएगा, जिसके तहत वो ना कि इंडिपेंडेंस में नहीं अपनी इंक्वायरी कर सकते। ये जो इंडिपेंडेंस में ना होने का नुकसान ये है कि सच जो है वो कम्प्लीटली सामने नहीं आता। इसको अगर हम एक और तनाजुर में देखें तो पिछली एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन रीसेंट पास्ट में जो हवेलियां वाला क्रैश हुआ, 85 वो भी जमशेद में जिसकी डेथ हुई थी, एयर ब्लू की जो का एयर क्रैश हुआ उसकी भी, ये सिर्फ उसी वजह से है कि उसमें जो रिक्वायर्ड सच है वो नहीं मिला उस इंक्वायरी में। भोजा के एयर क्रैश हुआ उसमें भी इसी तरह ही। सो ये चीजें, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मातहत होने में, फॉर एग्जांपल सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के मातहत SIB है, उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा या नुकसान यही है कि सच जो रिक्वायर्ड है तो वो कभी भी सामने नहीं आ पाया अभी तक, और ये प्रॉब्लम मैं देखता हूँ काफी अच्छे से हो रहा है और काफी अच्छे तक होता रहेगा अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे तो। अच्छा, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ इंडिपेंडेंट एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन बॉडी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो हमारे पास जो
टैक्स इन्वेस्टिगेशन बॉडी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट से मुराद है कोई उसको वो आराम से, और आराम से तो नहीं, आजकल के दौर में वो कहते थे ना पहले के सच बोलना मुश्किल है, आजकल के दौर में सच सुनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इकाओ एनेक्स 13 स्पेसिफिकली डिक्टेट करता है कि जो एक्शन इन्वेस्टिगेशन बॉडी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड या सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए जिसमें ये रिस्पॉन्ड करें, या कभी कोई खुदा ना खास्ता एयर क्रैश होता है तो उसके अंदर वो किसी और को रिप्लाई करने के का ना सोचे, इंस्टेड कि वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मातहत हो, डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करें जाके, ताकि जो बीच में इन्फ्लुएंसेस हैं, मीनिंग देयर बाय जो हक और सच बोलने की मुश्किलात हैं और सुनने की मुश्किलात हैं, वो उनको ना पड़े। सो उस असना में हमारे पास बहुत सारी बातें या बहुत सारा सच सामने आ जाएगा, और वही जैसे मैं पहले इन तीन क्रैशेस की बात करता हूँ, मरगला का एयर ब्लू क्रैश एंड दी भोजा क्रैश एट इस्लामा इंटरनेशनल एंड दी ATR 42 ऑफ पिया, ये हमारे पास सच कभी भी सामने नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करते हैं और चैलेंज है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सब सर्वियंस में ऑपरेट। फाज, जब हम एविएशन की दुनिया में जाते हैं और जब हम ग्लोबली देखते हैं तो कौन से ग्लोबल मॉडल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, विच कैन गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ सच एन एंटिटी, यानी कि हम किस कहां देखें? बिल्कुल ठीक, हमारे पास एक तो सबसे पहली बात की बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें या वेस्ट की बात करें तो हमारे पास अमेरिका का NTSB का मॉडल है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मातहत है, कांग्रेस को रिपोर्ट करता है डायरेक्टली और द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी तरह एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड UK है, ये भी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, बिल्कुल ही आइसोलेशन में काम करता है, कोई इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, और ये दो मेजर हमारे पास मॉडल्स हैं जो हम देख सकते हैं। और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस इससे भी जाहिर होती है कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन जो है वो साल तकरीबन लगते हैं, एक साल या 12 महीने, अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ तो जो डी कोडिंग है FDCVR की, फ्लाइट डेटा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, या जो ब्लैक बॉक्स जिसे हम कहते हैं, जो असल में ब्लैक नहीं होता वो ऑरेंज होता है, लेकिन उसकी डी कोडिंग और डिसाइफर करना और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करने को इतना टाइम लग जाता है, लेकिन आखिर में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन इस तरह भी बयान की जा सकती है कि कोई भी एक्सीडेंट दोबारा अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्सीडेंट, वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई भी। ऑन द अदर हैंड अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई भी है तो उस वजह से दोबारा एयर क्रैश नहीं होगा। सो जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वेस्ट है, वंस अगेन NTSB एंड एक्शन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड UK, ये दोनों भी इनकी ज्यादातर गलतियां टू अर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के बिना पे उसी वजह से दोबारा क्रैश नहीं होगा, या एयर क्रैश या एक्सीडेंट नहीं होगा। सो हम अगर इन मॉडल्स को देखें, और ऑब्वियसली एक इफेक्टिव मॉडल है जो हम देख सकते हैं और उसको अपना भी सकते हैं पाकिस्तान में, तो वो एक बेहतर तरीकेकार हो सकता है चीज़ों को या एयर क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने में पाकिस्तान में। अच्छा फाज, ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इनको कोई रूल्स कोई गवर्न कर रहे होते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी बात की, जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, SARPS कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, ICAO एनेक्स 13 इज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट। हम क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू ये जो शिकागो कन्वेंशन है 1947 का, उसमें वेरी स्पेसिफिकली ये चीज डिक्टेट की जाती है कि
द रूल जो सबसे बड़ा रूल है, और बहुत सारे रूल जो उसमें नेक्सस के अंदर नेक्सस 13 में, लेकिन एक सबसे बड़ा रूल यही है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी चाहिए जो बायस या अंडर इन्फ्लुएंस ना ऑपरेट करे, इंडिपेंडेंस में करे, बिल्कुल ही किसी की किसी अच्छी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर दैट मैटर किसी बंदे के मातहत ना हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन के जो की जो रूह है या जो क्रक्स है या जो जिस वजह जिस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो सच ढूंढने के लिए किया जा रहा है, वो सही तरह से सामने आए इंस्टेड के कोई प्रॉब्लम बाद में जनरेट हो. तो ये रूल जो है वो एकाओ नेक्स 13 है, जो जितने भी 193 स्टेट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे सिग्नेटरीज हैं टू यूनाइटेड नेशंस, एंड ऑब्वियसली इसी के साथ एकाओ के भी सिग्नेटरी बन जाते हैं वो. सो ये एक रूल है जो जिसको इस्तेमाल किया जाता है. रूल बुक बहुत सिंपल और सीधी सादी है, कोई कन्फ्यूजन इसमें है नहीं, एंड मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव भी है. फहद, आपकी बात बजाय मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन दिस शो, मगर इज इट इवन रियलिस्टिक कि हम इस तरह का एक पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में खोलें? मेरे नजदीक इसको खोलना जरूरी है. ये अगर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो सॉरी टू से जो सच है वो कभी सामने नहीं आएगा. ये सच इसलिए भी जरूरी है कि इम्प्रूवमेंट के लिए, जब भी हम, जैसे मैंने पहले बात की, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है रिकरेंस अवॉइड करना, दोबारा ना हो वही एक्सीडेंट. ठीक हो गया, उस वजह से कोई जहाज और लोग खुदा ना खास्ता वो दोबारा वो एक्सीडेंट ना हो उस वजह से. अगर हम पिछली जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस देखें अपनी, जिसमें बहुत सारी हैं जो पहले मेंशन भी कर चुका हूँ मैं, दोबारा नहीं बोलूँगा, लेकिन वही एक्सीडेंट होता है, नए लोग आ जाते हैं. ठीक हो गया, पेंडोरास बॉक्स, जो बड़ा अच्छा फ्रेज आपने इस्तेमाल किया, पेंडोरास बॉक्स को खोलना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इम्प्रूव हो, जो सच है, हक है, वो सामने आए. इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास. अगर हम ये नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल भी हमारी, पाकिस्तान की बदनामी होगी पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो इफेक्टिव हैं, जो लोग खुदा ना खास्ता लवाहिकीन हैं, जो खुदा ना खास्ता किसी क्रैश में इफेक्ट होते हैं, अब वो उनको हक नहीं मिलेगा उनका, क्योंकि सच सामने नहीं आ रहा. तो सच सामने लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए इस पेंडोरास बॉक्स, अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया, उसको उसके अलावा हल नहीं. और इससे सारी दुनिया कर रही है यार, मतलब यू टॉकिंग ऑफ पीपल, ये आप वेस्ट में जितनी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं एयर क्रैशेस की, वो इंडिपेंडेंट बॉडी करती है, बिकॉज एकाओ नेक्स 13 की रिक्वायरमेंट है, और हम सिग्नेटरी होने के तहत हमारे लिए भी रिक्वायरमेंट है कि हम इस चीज को ब्लेटेंटली फॉलो करें. ठीक हो गया, सो आई बिलीव ये बहुत जरूरी है, और ये हल किया जा सकता है. मुश्किल होगा बिल्कुल, मैं मानता हूं, नामुमकिन नहीं होगा. सो आई बिलीव इट इज मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम चला सकें आगे, और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें. थैंक यू सो मच स्क्वाड लीडर फहद इब्ने मसूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला ऑन वीकली रिपोर्ट. प्लेजर बीइंग हियर, स्टे होम एंड स्टे सेफ टिल दिस पेंडोरास बॉक्स or the coronavirus or COVID-19 goes away. Precautions is all that we can do, and we'll certainly love to be here again. یہ تھے فہد ابن مسعود, ایک فارمر اسکواڈن لیڈر اور اس وقت ایک پبلک اسپیکر, ریسرچر, ٹرینر. وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے بیسکلی جو پاکستان میں جو ایئر کریشز ہوتی ہیں ان کی انویسٹیگیشن باڈی کیسے ہونی چاہیے, وہ کیا ہے پاکستان میں, یہ سب ہم نے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کیا.